बिसमरमान राहीम डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ योर टीचर यासर खान ऑन यूट्यूब चैनल लर्न विद खान हमने थोड़े दिन पहले लेक्चर अपलोड किया था अपने चैनल पे कंसाइनमेंट अकाउंट्स पे जो कि आई कॉम पार्ट सेकेंड और बी कॉम पार्ट सेकेंड में पढ़ाया जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे फिर रिक्वेस्ट की कि सर हमें अकाउंटिंग की बेसिक्स से भी स्टार्ट करा दें जो कंसाइनमेंट अकाउंट्स के लेक्चर हैं वो इन अपलोड रूटीन में होते रहेंगे तो हम आज से फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बेसिक्स से, से स्टार्ट करेंगे ये जो कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये आई कॉम पार्ट वन में बी कॉम पार्ट वन में बी एस कॉमर्स के इनिशियल सेमेस्टर्स में बी बी ए के इनिशियल सेमेस्टर्स में और बी एस इकनॉमिक्स वग़ैरह के इनिशियल सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है इसके अलावा भी अकाउंटिंग को जिस मर्जी लेवल पर पढ़ा जाए सी सी एम ए सी एम ए में और सी ए वगैरह में तो उसकी बेसिक्स जो उसकी रूट्स हैं वो यहाँ से ही हैं यहाँ हम इस सब्जेक्ट के हवाले से तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक सब्जेक्ट बेसिक सब्जेक्ट का जो मैटर है वो डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्या है आज के लेक्चर में और अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेज हैं और अकाउंटिंग की स्टडी के कितने लेवल्स हैं ये हमने डिस्कस करने हैं अकाउंटिंग पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है क्योंकि अकाउंटिंग का ताल्लुक बिजनेस के साथ है बिजनेस क्या है इंसान की जितनी भी सरगर्मियाँ जो भी इंसानी सरगर्मियाँ हैं जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो दो कैटेगरीज़ में देखी जा सकती हैं एक वो जिनका ताल्लुक रुपए पैसे से है और एक वो जिनका ताल्लुक रुपए पैसे से नहीं है यानी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर डिस्कस नहीं होंगी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अंडर डिस्कशन आएंगी बिज़नेस क्या है सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन बाय अ पर्सन फॉर दी पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और कार्ल्ड बिजनेस ये ऐसी सरगर्मियाँ जो किसी शख्स ने इसलिए इख्तियार की हैं कि उसका मकसद है कि वो उनसे मुनाफा कमाए वो प्रॉफिट अर्निंग चाहता है सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मस्ट बी लाफुल एंड डन ऑन रेगुलर बेसिस अब इनमें यह कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो लॉफुल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और वो रेगुलर बेसिस के ऊपर कंडक्ट की जानी चाहिए अगर लॉ ऑफ़ दी लैंड उन एक्टिविटीज़ को अलाउ करता है तो फिर तो वेल एंड गुड वो बिज़नेस में आ जाएंगी अगर कानून के मुताबिक वो चीज़ें करना मना है वो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं अनलाफुल एक्टिविटीज़ हैं तो ऐसी एक्टिविटीज़ को बिज़नेस में नहीं लिया जा सकता और अगर आप कोई काम कभी कभार करते हैं ऑफ़ एंड ऑन करते हैं इ एक्टिविटी है आपकी मसलन आप स्टूडेंट्स हैं तो आप एक सेमेस्टर के बाद एक साल के बाद आप अपनी किताबें पुरानी वो बेच देते हैं और नई किताबें ख़रीद लेते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप किताबों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं जो काम रेगुलर बुनियादों के ऊपर हो वो बिजनेस की डेफिनेशन में आता है अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ये कारोबार की ज़ुबान है बिज़नेस की डेफिनेशन हमने देख ली है बिज़नेस का मकसद क्या है कि हम चाहते हैं कि हम ये जो एक काम करें इनसे हमें मुनाफा हो अब अगर किसी बंदे से एक साल के बाद आप पूछें वो काम करना उसने शुरू कर दिया हुआ है बिज़नेस कर रहा है आप उसे पूछें कि एक साल के बाद के कितना मुनाफा हुआ है अब अगर वो बंदा जो है वो जुबानी वो सोच में पड़ जाएगा वो कैसे हिसाब लगाएगा उसके लिए हिसाब करना मुमकिन ही नहीं है ज़बानी जो भी काम हो रहे हैं उनका जबानी कोई भी लेन देन नहीं हो सके उसका रिकॉर्ड होना चाहिए जबानी जबानी से उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता कि मुनाफा कितना हुआ है वो भूल चुके होंगे उस बंदे को इसलिए लेन देन जैसे हो रहे हों तो उनको लिखना चाहिए कारोबार मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है और मुनाफा कितना हुआ उसको मेयर करने के लिए अकाउंटिंग का काम किया जाता है अकाउंटिंग का मकसद ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को माशी कारदगी को मेजर करके देना है ताकि जब भी हम उस बंदे से पूछें उसके पास रिकॉर्ड सारा तहरीरी सूरत में मौजूद हो और वो आपको बता सके कि जो जिस मकसद के लिए कारोबार किया गया है वो मकसद हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा उस मकसद के हासिल होने का जो पैमाना है जो गेज है उसकी वो अकाउंटिंग है अकाउंटिंग की सिंपलेस्ट डेफिनीशन फिर सादा तरीन अल्फाज में जो डेफिनीशन बनती है वो ये बनती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तहरीरी रिकॉर्ड को अकाउंटिंग कहते हैं अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लें जो बिज़नेस में आती हैं आप आपने फर्नीचर ख़रीदा आपने कोई फर्नीचर बेच दिया बिल्डिंग का किराया आपने अदा किया आपने माले तजारत ख़रीदा आपने माले तजारत बेच दिया कोई ख़रीदा हुआ वापस आ गया आपने उनका कोई किराया दिया आपने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी ये सारे काम रुपए पैसे की सूरत में हो रहे हैं ये सारे काम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मजमु का नाम बिजनेस है उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लिख लेने का नाम अकाउंटिंग है ये तो सादा से लफ्ज़ों में डेफिनेशन होगी अब इसको थोड़ा सा अगर हम फैलाएँ ये वो डेफिनेशन है जो आमतौर पर आई के स्टूडेंट्स को पता होती है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन ए सिग्निफिकेंट मैनर बिज़नेस transactions एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल character एंड इंटरप्रेटिंग द results thereof. ऑफ यानी अकाउंटिंग एक ऐसा फन है जिसमें मुशी खासियत रखने वाले लेन देन और इवेंट्स को दर्ज किया जाता है ग्रोबंदी की जाती है समरी तैयार की जाती है हासिल होने वाले नतज की वजाहत की जाती है और ये सारा काम रुपये पैसे की सूरत में किया जाता है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट उर्दू में भी डेफिनेशन मैंने आपको बयान कर दी है और इंग्लिश में भी बयान कर दी है अब इस डेफिनीशन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट है अकाउंटिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है जब तक आप इसको सीख रहे हैं साइंस का मतलब है इल्म जानना जब आप इसे सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो इट्स ए साइंस ये इल्म है एक और जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर देंगे और रिकॉर्ड रखने शुरू कर देंगे इट बिकम्स एन आर्ट अकाउंटिंग इज़ ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है आपने दर्ज करना है लेन देन जो हो रहे हैं उन लेन देन को आपने कहीं पे दर्ज करना है उनकी एंट्रियाँ करनी है फिर लेन देन जब दर्ज हो जाएंगे उनको क्लासीफाई करना है आपने ग्रोबंदी करनी है इसका मतलब है कि क्लास कहते ही कि एक जैसे लेन देन को अलहदा कर लिया जाए आपने एक जैसे लेन देन को एक जगह पे, दूसरी तरह के लेन देन को दूसरी जगह पे, तीसरी तरह के लेन देन को तीसरी जगह पे, इस तरह से उसकी डिफरेंट क्लासेस बना देनी है डिफरेंट ग्रोह बना देने हैं तो ये अमल क्लासीफाइंग कहलाता है आपने ग्रो बंदी करनी है दर्ज कर लिया ग्रो बंदी कर ली उसके बाद आपने उसकी एक समरी तैयार करनी है और फिर आपने जो नतज आपको हासिल हों जो रिज़ल्ट मिले हैं आपको जो भी मुनाफा हुआ है जो भी उस वक्त मुशी हालात हैं उनकी आपने इंटरप्रटेशन करनी है ये जो सारा काम हो रहा है ये रुपये पैसे की सूरत में है मॉनेटरी टर्म्स में है क्योंकि हमने कहा कहानॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिज़नेस में और बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग है गैर गैरमाशी सरगर्मियाँ वो नॉन एक्नॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी मैयर नहीं हो सकती हैं उनको हमने अकाउंटिंग में डिस्कस नहीं करना ये जितना भी काम होगा ये किसी मुनजम तरीक़े के तहत होगा किसी ख़ास निज़ाम के तहत होगा यानी अकाउंटिंग के पूरे रूल्स हैं रेगुलेशन हैं इसके कॉन्सेप्ट हैं इसके स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक अकाउंटिंग की जाती है उनके ये अपनी मर्जी से नहीं रूल्स बन रहे हैं तमाम रूल्स डिफाइंड हैं उनके मुताबिक हमने काम करना है और ये कारोबारी लेन देन और जितने भी इवेंट्स हमारे कारोबार में हो रहे हैं मौशी खासियत वाले पैसों वाले उनके लिए ये सारा काम किया जाता है अब ये वो डेफिनेशन है जो कि आमतौर पर आई के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है पता होती है इसे बेहतर डेफिनेशन थोड़े अल्फाज मुख्तसर अल्फाज में जाम डेफिनेशन मिग्ज़ एंड मिक्स की अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग मेजरिंग एंड कम्यूनिकेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितने भी लेन देन हो रहे हैं आप उस लेन देन को समझें उसकी तशरी करें उस लेन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनका कौन से अकाउंट्स के हेड से ताल्लुक़ है वो कहाँ इजाफा कमी कर रहे हैं आप पहले लेन देन को समझें इंटरप्रेट करें फिर उस को मेजर करें जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये जो पिछली डेफिनेशन में जो डिस्कस हुए हैं रिकॉर्ड क्लासीफाई और समराइज उनको करके ही रिज़ल्ट निकाला जाता है तो वो मेजरिंग का लफ्ज़ उन सबको अपने अंदर समो लेता है एक लफ्ज़ जो कि इस डेफिनेशन में शामिल है कम्युनिकेटिंग जितने भी लेन देन होते हैं अकाउंटिंग के अकाउंटिंग में जब उनको हम रिकॉर्ड करते हैं हमें उनका रिज़ल्ट मिलता है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम मेजर कर लेते हैं उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हमने अपने पास नहीं रखना हमने उसको कम्युनिकेट करना तो अकाउंटिंग सिस्टम वो है जो कि इनसे इंफॉर्मेशन ले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल ले और उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करें उसके लिए जो कंपनीज़ हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स बनाती हैं उनको पब्लिश करती हैं जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक अकाउंटिंग का पर्पज़ पूरा नहीं होता अकाउंटिंग जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो मकसद पूरा नहीं होता तो ये लफ्ज़ इनत ही अहम है कि आपने उन रिज़ल्ट को उन उनकोमिक एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट को कम्यूनिकेट करना है तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अकाउंटिंग ये है कि लेन देन को आपने लिखना है और जिस मकसद के लिए कारोबार कायम किया गया है आपने वो देखना है कि वो मकसद किस हद तक अचीव हुआ है नेक्स्ट है कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी है अकाउंटिंग की तीन ब्रांचेज हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजेरियल अकाउंटिंग और टैक्स अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये जो हमने अभी डिस्कस करनी शुरू करनी है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हमने इसी की बेसिक्स पहले स्टार्ट करनी है इनशाला अब ये काम हमने शुरू किया है आहिस्ता आहिस्ता आपको तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट साइंसिस की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको काम मिलेगा वीडियोस अपलोड होती रहेंगी लेक्चर्स आपके मिल जाएंगे अकाउंटिंग है फाइनेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इंटरनेशनल फाइनेंस है इन्वेस्टमेंट है कॉस्ट है वो बैट्स यूजरेज से जो मास्टर् लेवल के लोग हैं उनके लिए कॉमर्स e के लोगों के लिए इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करके इस चैनल के ऊपर डाल दिया जाएगा ताकि मैक्सिमम लोग उससे फायदा उठाएं मैनेजेरियल अकाउंटिंग के दो पार्ट्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सेपरेट ब्रांच नहीं इट कम्स अंडर अम्ब्रेला ऑफ मैनेजेरियल अकाउंटिंग ये उसके अंडर ही आती है तो मैनेजेरियल अकाउंटिंग को दो हिस्सों में डिस्कस कर लिया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टैक्स अकाउंटिंग इट इज़ अबाउट प्रपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर दी टैक्सीन परपजेज टैक्स के मकासद के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं वो टैक्स अकाउंटिंग के अंडर आती हैं तो ये तीन ब्रांचेज हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है इन तीनों ब्रांचेस को अकाउंटिंग की जो भी ब्रांच हो उसको पढ़ने के दो लेवल हैं लेवल्स ऑफ स्टडी ऑफ अकाउंटिंग यानी ये तीनों ब्रांचेज इन दोल में से किसी न किसी एक लेवल पे पढ़ी जा रही होंगी पहला लेवल है बेसिक लेवल प्राइमरी या इंटरमीडिएट लेवल जब चाहे फाइनेंशियल है मैनेजेरियल है या टैक्सेशन है तो आप उसको बेसिक लेवल पे पढ़ें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और जो बेसिक बातें वो डिस्कस करें तो दैट इज़ स्टडी ऑफ अकाउंटिंग कंडक्टेड एट बेसिक लेवल और जब आप हायर uh, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर डिस्कशन करें तो दैट इज़ अ स्टडी ऑफ अकाउंटिंग एनी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग एट हायर और एडवांस्ड लेवल तो बाज बाज़ात हमें ये सब्जेक्ट्स मिलते हैं इंटरमीडिएट अकाउंटिंग या एडवांस्ड अकाउंटिंग तो वो अलहदा से कोई ब्रांचेज नहीं हैं वो इन ब्रांचेज में से ही कोई ना कोई ब्रांच या तो इंटरमीडिएट लेवल पे डिस्कस हो रही होगी या एडवांस्ड लेवल के ऊपर डिस्कस हो रही होगी तो हमने अब ये आपने ये जहन में रखना है कि जो हमने शुरू किया है ये ब्रांच फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और ये हमने प्राइमरी लेवल के ऊपर पढ़नी शुरू करनी है उम्मीद है कि आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा इन नेक्स्ट जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो भी आपको समझ आएंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैप्पी लर्निंग थैंक यू